हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक्स, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों जरूरी है, समझेंगे कि लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है और ये आखिर हम लोगों के लिए जरूरी क्यों है। क्या हम लोग आज भारत देश में रहते हैं जहां पे लोकतंत्र है, तो क्या हम लोगों के लिए ये लोकतंत्र फायदा है या फिर लॉस में है, हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अपने भाषा में। लोकतंत्र बोलता है, लोकतंत्र का अर्थ इंग्लिश में लोकतंत्र को हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, जिसका अर्थ होता है लोकतंत्र। अब हम लोग समझेंगे कि ये डेमोक्रेसी कहां से आया है। तो क्या बोलता है कि यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया, यूनानी शब्द किससे? डेमोक्रेशिया से। किससे? डेमोक्रेशिया, डेमोक्रेशिया से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? डेमोक्रेशिया, जो कि यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग। ठीक है, डेमोस मतलब होता है लोग, जनता। ठीक है, और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, यानी जनता द्वारा शासन। समझ रहे हैं ना, जहां पे जनता शासन हो। तो हम लोग समझते हैं लोकतंत्र का डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या बोलता है इसका, कि शासन का वह रूप जिसमें शासकों का चुनाव जो है वो जनता करती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। शासन का वह रूप जहां पे शासन का चुनाव जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा, पब्लिक के द्वारा चुना जाता है, उसी को हम लोग लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। लोकतांत्रिक यानी लोगों द्वारा शासन किया जाना, लोकतांत्रिक कहलाता है। वहीं पे अलग डिफिनेशन, जो कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, क्या हो? लोगों की हो, लोगों के लिए ही हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया डिफिनेशन। किनके द्वारा दिया गया है? ये अब्राहम लिंकन के द्वारा ये डिफिनेशन दिया गया था। क्या? कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों के लिए होता हो और लोगों द्वारा बनाई गई सरकार, उन लोगों के ही लिए हो और लोगों के द्वारा बनाई गई हो। फिर आगे बोलता है कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो विशेषता को चर्चा करने से पहले हम लोग लोकतंत्र की कुछ उदाहरण समझते जाएंगे और चर्चा करेंगे। उदाहरण लेते हुए क्या है लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं? जैसे पहला, लोकतंत्र का जो होता है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होती है। जैसे कि अब हम लोग जो अपने क्षेत्र से जिस नेता को चुनकर भेजते हैं वो हमारे तरफ से फैसला ले सकता है। मान लीजिए हम यहां से चुन के भेज दिए, अब इस झारखंड राज्य से, ठीक है, भेज दिए अपने संसद को, ठीक है, वो गया। आगे अब हमें क्या चीज की आवश्यकता है, तो हम डायरेक्ट पीएम के पास जाएंगे क्या? नहीं, हमारे द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधित्व है हम उसके पास जाएंगे और वो हमारे बारे में जो फैसला लेगा आगे पीएम तक पहुंचाएगा, केंद्र सरकार तक पहुंचाएगा, राज्य सरकार तक पहुंचाएगा, वो उसका काम हो जाता है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग समझने के लिए उदाहरण लेते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान में क्या हुआ था कि पाकिस्तान में 1999 में तख्ता पलट हुआ था, सैनिक तख्ता पलट, क्योंकि उस समय वहां के जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे, जनरल परवेज मुशर्रफ ये वहां के सैनिक के प्रमुख थे, ठीक है, ये सैनिक के प्रमुख थे। और उस समय पाकिस्तान में जो था वो प्राइम मिनिस्टर जो थे आपका नवाज शरीफ थे। कौन थे? नवाज शरीफ। तो ये जो है से तख्ता पलट देते हैं 1999 में, और तख्ता पलट देने के बाद ये क्या करते हैं कि 20 जून 2001 को अपने आप को जो है आपका 20 जून 2001 को ये अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं। कि
कि अब यहां के राष्ट्रपति मैं, समझिए ना, जबकि ये प्रमुख है, आप समझ सकते हैं ये सेना का एक अधिकारी है, ना कि हमारे द्वारा चुना गया कोई प्रतिनिधित्व है, लेकिन फिर भी ये तख्ता पलट देते हैं, लोकतांत्रिक कोई तहस नहस कर देते हैं और वहां इन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं। और ये 20 जून 2001 से लेके 18 अगस्त 2008 तक राष्ट्रपति पद पे ये रहते हैं और कार्य पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान का सारा बागडोर इन्हीं के हाथ में, राष्ट्रपति बने हुए हैं और पाकिस्तान को ये चलाते हैं। यानी कि जस्ट यहाँ पे एक तख्ता पलट हुआ, सैनिक तख्ता पलट, ये सैनिक के एक प्रभारी हैं, वहां तख्ता पलट करके खुद को, अपने आप को घोषित कर देते हैं कि मैं अब यहाँ का राष्ट्रपति हूँ। बाद में इन्होंने चुनाव भी करवाया था और उस चुनाव में अपने आप को हारने के बाद भी अपने आप को ये घोषित करवाते हैं और अपने द्वारा ये कई तरह के ये जो है वहां पे पाकिस्तान में बदलाव करते हैं संविधान में, ठीक है, और कई नए कानून बनाते हैं। तो ये एक उदाहरण था पाकिस्तान का। वहीं पे एक दूसरा उदाहरण हम लोग बात करेंगे पोलैंड का। जैसे पोलैंड में क्या था कि कम्युनिस्ट शासन के दौरान देश के महत्वपूर्ण फैसले लेने का, जो देश में महत्वपूर्ण फैसला लेना होता था वो कौन लेता था, सोवियत यानी रूस द्वारा लिए जाते थे, जबकि सरकार किसकी थी, पोलैंड में, ठीक है, पोलैंड का जो भी फैसला है हमारे देश का वो हम लेंगे, लेकिन इसका फैसला सोवियत रूस द्वारा लिए जाते थे। तो यहां पे आपको ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझिएगा कि आखिर लोकतंत्र सही मायने में किसको कहते हैं, आखिर लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है सही मायने में, आखिर लोकतंत्र को हम कैसे समझेंगे सही मायने में कि यही लोकतंत्र है और कुछ नहीं है, समझ रहे ना। तो हम लोग ये फर्स्ट वीडियो में इतने ही डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।